यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों ये नोटिस कल रात ही उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद भी धरना जारी है। दोस्तों ये तो आप सबने कल की न्यूज में पढ़ ही लिया होगा कि धरना शुरू हो चुका है हाई कोर्ट के बाहर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन, दोस्तों प्रदर्शन हो रहा है फतेहपुर सीकरी में, गुरुवार को प्रदर्शन करते परीक्षार्थी। तो दोस्तों जो यूपी पुलिस ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें क्या कहा है यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर एक लिंक आया है, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के संबंध में सूचना विज्ञापित। तो दोस्तों इस बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं, और साथ ही हम ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। दोस्तों जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों नोटिस ये आया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, कल रात ये नोटिस जारी हुआ है, आप तारीख देख सकते हैं, दिनांक जून 22, 2018। दोस्तों इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है जो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम 18 जून और 19 जून को हुआ है वो अभी भर्ती बोर्ड द्वारा रद्द नहीं किया गया है, ये इसमें नोटिस में दिया गया है, अभी रद्द नहीं किया गया है। और यहां पर आप नीचे देख सकते हैं पॉइंट 2 जो यहां पर दिया हुआ है, इस संबंध में अवगत कराना है कि यह सूचना पूर्ण रूपेण असत्य है जो कैंसिल होने की बात हो रही है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कह रहा है इस ये सूचना पूर्ण असत्य है, भर्ती बोर्ड द्वारा यह परीक्षा निरस्त नहीं की गई है, न ही इस तरह की कोई सूचना बोर्ड के किसी अधिकारी के द्वारा दी गई है। दोस्तों अगर आप इसी नोटिस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पॉइंट निकल के आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अपने प्रश्न पत्र पुस्तिका के उत्तर के संबंध में आपत्ति दर्ज किए जाने हेतु तो कल इस वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आज, क्योंकि नोटिस कल का है। दोस्तों यहां पर भर्ती बोर्ड ने यहां पर लिख दिया है कि जो अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र पुस्तिका में आपत्ति दर्ज आपत्ति है, यानी कि जो पेपर एक ही सीरीज दोनों शिफ्ट में बांटे गए हैं या कुछ और पेपर लीक का मामला, जैसे भी प्रश्न सेम हुए हैं, उसे दर्ज कराने के लिए आज वेबसाइट पर एक लिंक एक्टिवेट कराया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर इस लाइन से पता चलता है कि भर्ती बोर्ड ने यह मान लिया है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है एग्जाम में, इसलिए दोस्तों भर्ती बोर्ड कह रहा है कि एक लिंक एक्टिवेट होगा वेबसाइट पर जिस पर हम अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहता था, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है या आपको कोई भी आपत्ति है, आपको पता है कि 18 तारीख को अलग अलग शिफ्ट में पेपर सेम बांटे गए थे या कहीं पेपर लीक हुआ था या आपके भी आपका भी पेपर सेम था 18 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट का, तो आप अपनी आपत्ति यहां पर दर्ज करा सकते हैं आज 12 बजे तक यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी की लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कल अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए हुए थे या फिर जो धरना शुरू है उसका क्या हुआ। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं धरना बिल्कुल एकदम प्रदर्शन शुरू है, आज हाई कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन जो कल वकील ने कहा है कि हम इसके बारे में रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी कुछ नहीं पता, आज शाम को ही पता चलेगा कि कोर्ट का क्या फैसला है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, मैं आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद भी प्रदर्शन शुरू है, क्योंकि जो लास्ट में लाइन दे दी भर्ती बोर्ड ने कि आपत्ति जो प्रश्न पुस्तिका में आपत्ति दर्ज कराने के लिए, तो इससे जो काफी अभ्यर्थी हैं उनमें और भी ज्यादा रोष पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है और ये भर्ती बोर्ड भी जानता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें तो दोबारा री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम करवाओ और बिल्कुल निष्पक्ष एक ही शिफ्ट में री एग्जाम होना चाहिए।
यहाँ पर आप नीचे इसमें पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पोज करके इसमें लिखा है कि जो री एग्जाम होगा वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। ये आप यहाँ पर ये जो बैनर है इस पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं, यूपी पुलिस भर्ती रद्द करो और एक ही पेपर दोनों पालियों में। तो दोस्तों इनकी ये मांग है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख सकते हैं, एकदम ऑफिशियल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।